Hey, one, two, three, four. यार मजीद नौकरी नागुजीर हो गई। अच्छा यार महंगाई इतनी महंगाई इतनी महंगाई, कभी मैं रोज सोचना भी घाट हो जाएगी, एक दिन तक, दो दिन तक, तीन दिन तक, दिन दिन तक तेरे दिन दिन तक। पर रोज बरोज बदी जा रही है यार, इन्हें ला रहे हुकूमत ने लाए रहे, इन्हें ला रहे लाए ने, अखीर तो तंग आ गया यार। मैं कह इस तो बेहतर है कि भाई रिटायरमेंट लाओ, चंद पैसे लवो तो सैड ते हो जाओ। भी महंगाई रोज बरोज पुलिस के छित्र वगू बदी जा रही है। अखीर तंग आके गया अपने इमीजिएट बॉस को, सीएम साहब को, बुजदार साहब नु मारे सलूट। ठीक है, मैं कह सर मेरी तो हो गई ये बस। हाँ। ते तो उन्होंने मैं दिता है दस, ते हुण नहीं आ रही नौकरी है चस। ठीक है, कहंदे ने फिर की करेगा। मैं कह भी की करांगा, फिर रिटायरमेंट लवांगा, पैसे लवांगा, किराए ते दुकान लवांगा, ते कोई कारोबार शुरू करांगा। मैनू कहंदे ने गल सुन, मेरी भी हालत तेरे वाली है, लेकिन मैं किसे नाल गल कीती? मैं कह सर गल ते तुसीं किसे नाल नहीं कीती, लेकिन कहंदा ओ रिया तेरे नाल मैं करन लगा। मैं क्या की सर? कहंदे ने नाल वाली दुकान मेरे वास्ते भी ले लवे। यही सर यानी हर बंदा ही अकेला पिया यार। अच्छा भाई हुकूमत नु कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए। हुकूमत के नुमाइंदे इतने आते ने। ओ माशाल्लाह इखलाक है मन साहब। बिल्कुल, मैं कहना आखिरी गाना तुसी इन्हां दा सुने जी? वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं यार। चौधरी इखलाक साहब सियालकोट। यस, मैं उदो भी इन्हां दे नाल से जदों कंटोनमेंट बोर्ड के मैंबर सन। मैं कहना सर वो दौर 1999 ते 2000 दा दौर। मैं कहना एडा इलाका सोहना कीता इन्हां ने। अपना सियालकोट दियां सड़कां लाइटां एडियां सोहणियां बणाईयां, अज भी लोग याद करदे ने। पीटीआई इस वेले टाप ते जा रही। अच्छा, किते? हुकूमत च किधरे भी नहीं पुत्र अगू कहीदा। अलीना मैडम ने बुलाया जिसने दसिया ही नहीं। मैं कहना जी वेखो जी छोटी जी बच्ची हैगी, बड़ी वड्डी फनकार है जी। अच्छा, इस वेले टॉप मॉडल है। अजकल के दौरे च मॉडलों के जगह लेना कोई आसान है? बिल्कुल भी नहीं। 15 मरले लई ने अपना घर बना रहे ने। माशाल्लाह सर जी, एक फोटो हो जाए। बड़े दिनों तो मैनू नैब दे फोन आ रहे ने। नहीं, उन्होंने क्या लै के रख लाओ। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। अजकल तमाम सियासतदान जिहड़े मुल्क की खिदमत कर रहे ने, इस टाइम उन्होंने दी फोटो लैके रख लो। भाई दो साल बाद कितों लभणगे? अखीर मेरे को लभनी है। इस वास्ते मैं कह जरे के मैं अपनी डायरी बना रहा। बिल्कुल, रिटायरमेंट तो बाद अगर वो कहेंगे नैब वाले तो 500 रुपए की एक फोटो देंगा, कुछ तो कारोबार चलेगा। इजाजत है सर, जाओ सर आपको। अब क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, फर्स्ट क्लास। कुछ कहना चाहेंगे आप उनके शेर के बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इनका शेर सुनने में बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। क्योंकि आप भी आटा महंगा लाके गए घर। सर सुनने में अच्छा या महसूस भी हो रहा है? नहीं, महसूस भी हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये जो इनके शेर हैं इनके जवाब में अगले 6-4 महीने में हम इंशाल्लाह इनका जवाब देंगे। आए, आए, अभी 6-4 महीने में इसका जवाब आएगा? आएगा इंशाल्लाह। ये जवाब ही देना ही शुरू तो दे देंगे सानू एवं लारे च रखे। यानी 6 महीने बाद भी जवाब ही देना है। सर सोशल मीडिया ते मैं देख रहे सी तुसी ते सुमान डार साहब सड़क जी पुट्टी सी, खैर सी? सड़कां बना रहे हैं। ओ बना रहे सी? अच्छा, मैं समझा कि पता लगा जी इन्होंने सानू वोट नहीं देते, बनाई सी फिर बाद च पुट रहे ने उन्होंने। नहीं नहीं, वो डेवलपमेंट का काम शुरू है ना सियालकोट। वैसे ऐसा क्यों होता है खलाक साहब, इतना शक क्यों करते हैं लोग आपकी बातों पर? अब नहीं, प्रैक्टिकली देखें वासी साहब, ये एक नेशनल इशू भी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि महंगाई है, लेकिन अगर इसकी बैकग्राउंड में जाया जाए तो फिर मेरे ख्याल बड़ा लंबा टाइम आपके प्रोग्राम में मुझे रिक्वायर्ड होगा। तो बैकग्राउंड को छोड़े, अब तो आगे फोरग्राउंड में क्यों होने लगे? इसलिए मैंने कहा कि अगले 4-6 माह आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नई चीज़ें हम करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के वाले से कि ये महंगाई पर इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। और अगर ना हुआ चॉइस अब तो फिर आप देखें ना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में शुगर माफिया को जिस तरह हाथ डाला गया है, ये पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। बड़ी बात है, बड़ी बात। और उसमें देख लें कि 1-to-1 है, कोई उसमें पिक एंड चूज नहीं है। जितने लोग शुगर माफिया के थे, सट्टेबाजी कर रहे थे, आज भी मैं जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था
तो हाई कोर्ट के जज साहब ने उन्हें टाइम दिया कि जी बैठ के प्राइसेस फिक्स कर लें, वरना जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला उस पर आपको सप्लाई देनी। सर कीड़े मकोड़ियों ने इत्तेजाज किया कि साड़ी जड़ी चीनी वो भी फड़ ली इन्होंने। आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी देखा हुआ है। आपको अंदाजा है? हाँ जी थोड़ा बहुत। क्या है वो अंदाजा? अंदाजा ये कि बस आप लोग हंसी मजाक करते हैं, उन्होंने कहा शरारती मूड में रहना, तो बस बस शो खत्म। वेरी गुड, असली यही गल पूछनी, ब्रेक लो तो मुकाओ जी। अच्छा तो हंसी मजाक करते हैं और शरारती मूड होता है? हाँ जी जहाँ तक मैंने देखा है। जहाँ तक आपने देखा है? आपके घर वाले देखते होंगे? मेरे अम्मी अबू बहुत शौक से देखते हैं, मेरे ताया अबू बहुत शौक से देखते हैं। ताया अबू भी बहुत शौक से देखते हैं? अम्मी अबू तो ताया अबू ने पैसे पा के टीवी ले आना। बात यह है कि आपको तो खुश होना चाहिए, आपका जो है वो ऑडियंस का कैनवस बढ़ रहा है। पहले सिर्फ अम्मी अबू तक बात थी, अब ताया भी इसमें आ गए हैं। और मुझे बताएं आप ही, पहले कभी पॉलिटिशियन से हुई है मुलाकात? नहीं कभी भी नहीं। फर्स्ट टाइम यस। तो जैसा आप एक यंग खातून हैं तो आपके जहन में जरूर पॉलिटिशियंस का एक इमेज होता होगा, तो ये वैसे हैं या नहीं है? I was just expecting someone in shalwar kameez. Achha. But he's suited, booted, very good looking. Suited, booted and very good looking. Yes. Oh. Joy sahab, gal vadh gayi je. Is gal to baad tusi nu bazaaran te vi bhul jaane ya. Nahi, magar ye jab aap subah suit zeb tan kar rahe the tab aapne sheeshe mein khade ho ke aapko kahin aaya tha ki aaj lagta hai koi kamaal hone wala hai? Nahi, maine to specially aaj prefer kiya muzakarat ko. Ye dekhe na mera. तो आप उस लम्हे को आप याद करें जिस लम्हे में आपने फैसला किया था कि आज मैं ये ग्रे सूट पहनूंगा। मुलाकात की, इतनी बड़ी अच्छी टीम है, इतना अच्छा प्रोग्राम इनका चल रहा है इतने अरसे से, तो इनका सूट ही बनता है। तो बंदे को सेट हो गए मगर देखे वैसे टाइम सानू जब 2 साल बाद ते आए ने अकरम साहब, 2 साल बाद कितने दूर रहंदे ने सियालकोट? नहीं नहीं दूर नहीं है, पिछली गली च रहंदे, दोनों पासों किसी ने गली बंद कर दी सी। नहीं यार अच्छा तो ये सूट यानी कि पहना है, और ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते रहते हैं या आज ही मिलते रहते हैं? मिलते रहते हैं, कहाँ से मिलते हैं? बस जनरली हम पब्लिक के आदमी हैं, अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, बुरे कमेंट्स भी मिलते हैं। बुरे को छोड़े, हमने बुरे की बात नहीं करनी, हमने अच्छे वाले बताए। जिस तरह उन्होंने कहा कि ही इज गुड लुकिंग, तो ये आपको कहती रहती हैं ख्वातीन? या अक्सर कई दे भी कहते होने भाजी ताडे को और सूट को नहीं है भाई। यार गुड लुकिंग की बात हो रही है, कुछ समझो बात के कॉन्टेक्स्ट को समझा करो यार। अच्छा तो ये अक्सर आपको कहते रहते हैं, और घर वाले कोई जेलस वेलस तो नहीं होते? नहीं नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, अभी इस एज में क्या जेलस होना है। क्यों, क्या मतलब सर, इस एज का क्या आपने बात की? नहीं, आई एम अ फादर ऑफ 5 किड्स। तो माशाल्लाह दैट इज ग्रेट, बट उससे क्या ताल्लुक है? 4 आर मैरिड। सर अब ये देखें, अगर आप नहीं लग रहे और कुछ जो है वो बगैर किए भी लग रहे हैं, उससे क्या है? ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स तो फिर बड़े खतरनाक हो सकते हैं, और जब खास तौर पर बंदा मिनिस्टर हो। हमने हर नशे पर फ्रेज देख लिया। अच्छा ये वैसे आपको पता है मिनिस्टर भी हैं? हाँ जी। आपको कैसे पता? मुझे बताया गया था। अच्छा आप सब पता करके आई थी? जी जी बिल्कुल। ये देखे ना आजकल के बच्चे सब पता कर लेते हैं, होना भी चाहिए, वी आर पब्लिक फिगर। और आज माशाल्लाह अखलाक भाई ऐलान भी करके जा रहे हैं, जिन्ने भी बंदे ने सब नु पैंट कोट भी लेके देंगे। सिर्फ पैंट कोट और जराबा भी ले देना। मेरी फैक्ट्री है ग्लव्स दी, ग्लव्स भी नाल दे देना। सर कौन से वाले ग्लव्स? हम बना रहे हैं बाइसिकल के भी, और आपने ये देखा होगा मालूम जब्बा में अभी ये स्की रिजॉर्ट्स बने हैं। हाँ। तो हम स्की ग्लव्स भी बना रहे हैं। अच्छा। हाँ ठाकुर को जरूर पहनाने। मैं क्यों ग्लव्स पहनूं, मैं गर्म रोटी पड़नी है। अच्छा तो अलीना ये बताएं मॉडलिंग का आपको शौक कहाँ से हुआ है? मॉडलिंग का शौक इस तरह था, मैंने एज अ फन स्टार्ट किया था फॉर माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड देन आई वाज जस्ट लाइक ओके लेट्स जस्ट मेक मनी आउट ऑफ इट। तो ये क्या आप लॉन्ग टर्म परसू करना चाहेंगी या इज इट जस्ट लाइक अ टेंपरेरी थिंग? नो लॉन्ग टर्म, लाइक मेरा मेन फोकस अभी ये है कि मैं मॉडलिंग ही परसू कर लूं। मॉडलिंग ही परसू करूंगी। ये काला सूट जो आपने पहना है अपनी फरमाइश पे पहना या अताउल्लाह ऐसा खेलवी साहब की? ये अपनी फरमाइश पे पहने। आपने कभी सुना ये गाना? हां जी सुना है। किसको सुनती हैं आप? There's a variety of singers that I listen to. Like? Mostly foreign, not Pakistani. Achha. So Pakistan mein kaun hai? Pakistan mein, well, I'm a huge fan of Atif Aslam. Okay. I really like Asim Azhar. Asim Azhar, bahut zabardast aajkal bade. Aapne Chaudhry Mohammad Akhlaq sahab ka gana suna hai jo? Wo suna de mujhe. To aise waise singing ka hai koi shauk? Nahi mujhe nahi bilkul shauk. Sunne ka hai. Kisko sunte hain? Zyadatar Noor Jahan. Noor Jahan sahab. Wah wah. Mujhse pehli si mohabbat mere mehboob na mang. Ye wala gana sunte hi honge. To kaun yaad aata? Bahut zyada. Bahut zyada log yaad aate hain. Itne cool aise. बात अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब ठीक है। ऐसी नहीं, अब तो बिल्कुल छोड़ दें, अब तो हमने हथियार डाल दिए हुए हैं। आप पहले की बताएं मुझे। पहले
एक नॉर्मल लाइफ ही है, कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। नहीं मगर ये गाना सुन के कौन याद आ रहा है? गाने तो वैसे भी जो अच्छे गाने हैं, जो अच्छी पोएट्री है वो सुनने में मजा ही आता है। माशाल्लाह जिस तरह की वेल ड्रेसिंग की अजकल ये सुन रहे हैं बिगो बल्ले बल्ले आंदा की करेंगी।